इंसान को हर एक चीज को ट्रैक करने की आदत सी पड़ गई है। कुछ वक्त पहले टफ्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक कमाल का छोटा सा ओरल सेंसर बनाया था, जिसको यहाँ पर दांत पर लगा देना होता है। उसके बाद हाईवे के ऊपर टोल प्लाजा जो काम करते हैं, वही काम यहाँ से गुजरने वाली हर एक खाने वाली चीज के लिए ये सेंसर करता है। इसको लगाने के बाद इंसान जो भी खाता है पीता है उस चीज के न्यूट्रिशंस और एलिमेंट्स को ये सेंसर डिटेक्ट करता है और उससे कनेक्टेड मोबाइल डिवाइस में सारी इंफॉर्मेशन को शेयर कर देता है। जैसे कि इस चीज में पीएच वैल्यू सही नहीं है, इसमें नमक ज्यादा है, ये चीज तेरे लिए सही नहीं है, या फिर है खाने की प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है और फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। काश कोई कोरोना वायरस के लिए भी ऐसा कोई सेंसर बना दे, कोई डिवाइस बना दे, कोई ट्रैकर बना दे। जरा सोच के देखो, काश ऐसी कोई डिवाइस हो जिससे हम कोरोना वायरस को या किसी भी वायरस को ट्रैक कर पाए, देख पाए, डिटेक्ट कर पाए। इंसान ने वैसे बहुत अजब अजब की चीज़ें बनाई है। वैसे आपको क्या लगता है, ऐसा कोई डिवाइस कभी इंसान बना पाएगा?